और बच्चे हैं छोटे छोटे, और फौजी की पत्नी, सारा का खाना पीना हराम हो रहा है 20 दिन से, घूम के आ गया हूँ सारा। मैं पूरा हताश हूँ, अगर विभाग मेरे साथ जीआरपी को आदेश दे तो मेरा एक आध आदमी में जा कर के वहाँ के फुटेज देखने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग कर सकता हूँ। कुछ दिवस पहले रायमलवाड़ा के देदाराम जी थोरी फौजी जो यहाँ से ड्यूटी के लिए निकले थे, लेकिन उनकी गुमशुदा की जो अभी रिपोर्ट मिली है, इनके घर पहुँचे हैं, आपने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्टर भी देखे होंगे, और जो भी गुमशुदा की तलाश है उनके लिए जो पोस्टर हैं, जो हमारी एक सेना का जो एक जवान था वो गुम हो जाता है, तो उनकी रिपोर्ट हमने भी देखी, और हम आज देदाराम जी थोरी के घर रायमलवाड़ा पहुँचे। यहाँ पर जाते हैं, पूछते हैं किस प्रकार की वार्तालाप हुई है अभी तक आर्मी से, और इनका किस प्रकार का आर्मी से अभी तक कनेक्शन है, और अभी तक क्या बात हुई है उनके बारे में पता करते हैं। चलिए घर के अंदर चलते हैं। तो मैं अभी देदाराम जी के घर के अंदर पहुँचा हूँ, आप इस साइड देख सकते हो देदाराम जी के पिताजी है और साथ में काका जी भी है, इनसे बात करते हैं और पूरी क्या घटना रही, क्या घटनाक्रम रहा, जो जानकारी इनके पास है वो हम जानते हैं। नमस्कार जी। राम राम सर। तो सबसे पहले बताओ कि शुरुआत में घर से कितनी तारीख को गए, क्या मैटर रहा पूरा? उसकी 27 तारीख को छुट्टी पूरी हो रही थी, तो वो 27 तारीख को सवेरे जल्दी 4 बजे निजी वाहन से, हमारा घर का ही कोई भतीज था उसकी गाड़ी लेकर के जोधपुर गया था। अच्छा। और वो ठीक 5:15 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा के वापस आ गया। हाँ। और वो अपना ट्रेन में, वो 6:45 पे कोई 5:45 पे कोई ट्रेन थी जम्मू के लिए, उसमें बैठ गया था जी। ये और उसके बाद में 27 के बाद में 28, 29 और 30, एक 4-5 दिन तो हमारे पास कोई न तो उन्होंने बात किया न हमने भी बात करने की कोशिश की। लेकिन 2 तारीख को एक जीआरपी पठानकोट से कॉल आता है। हाँ। जिस हॉस्टल में मेरे भतीज के लड़के रहते हैं जोधपुर, देदा हॉस्टल के अंदर, तो वहाँ कॉल जाता है कि ये देदाराम नाम का व्यक्ति है जो जिसमें आपके नंबर लिख रखे हैं। हाँ। तो वो एक कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, 2 बच्चे रहते हैं जितेंद्र और ओम प्रकाश, उनके पापा हैं। अच्छा। तो उनका बैग यहाँ पठानकोट में मिला है। तो फिर उन्होंने हमें सूचित किया कि देदाराम जी का बैग पठानकोट में मिला है। भाई उनको भी ये भी पता नहीं था कि आ रहे हैं या जा रहे हैं, ये तो हमें भी मालूम नहीं था जी। तो फिर हमने संपर्क करने की कोशिश की यूनिट में, तो उन्होंने कहा कि उसकी यहाँ से ट्रांसफ़र आसाम के लिए हो गई है और वो गांव आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि भी चलो कोई बात नहीं, बैग उतर गया होगा किसी कारणवश जी, तो कोई बैग लेके भाग गया होगा या किसी और के कारण रहे, तो वो आते होंगे। तो हमने ट्रेन में तो कोई संपर्क नहीं हुआ, क्यों कॉल करने की कोशिश की तो कॉल तो हो नहीं रहे थे। हाँ। तो फिर हमने सोचा कि आ जाएंगे। फिर 2 तारीख की रात चली गई जी। और सवेरे हुआ तब एक यूनिट से बंदे का फौजी साहब की मिसेज के पास कॉल आया कि फौजी साहब घर पे आए क्या? हाँ। तो उन्होंने कहा घर पे तो नहीं है, तो कोई बात नहीं कि वो अभी कोई दूसरी ट्रेन मिस हो गई होगी तो दूसरी वाली में आ जाएंगे, इस प्रकार से कह करके उन्होंने वो कॉल काट दिया जी। फिर हमने सोचा कि यार आए नहीं तो कहीं तो पता करें, तो फिर हम रेलवे स्टेशन ओशिया गए, ऑनलाइन पता किया कि भाई इस नाम का व्यक्ति कोई ट्रेन में आ रहा है क्या, तो वो ऐसा कोई टिकट नहीं बताया गया। तो फिर हमने जोधपुर रेलवे स्टेशन भी गए, वहाँ 11 बजे कोई जम्मू से ट्रेन आने वाली थी, उस रेलवे स्टेशन को रेल को चेक किया, रेलवे स्टेशन पर आवाज़ दिलवाई कि भाई इस नाम का व्यक्ति कोई हो तो हमें से संपर्क करें, लेकिन वहाँ कोई था नहीं तो संपर्क करे कौन। इस प्रकार से हम रेलवे पुलिस वगैरह से मिले, तो उन्होंने कहा कि अगर आप भाई यहाँ की लोकल थाने के अंदर MPR करवा दो तो फिर उसके बाद हम आपकी मदद करेंगे जी। तो उस MPR करवाने के लिए हम जोधपुर से ओशिया थाना आए जी। और ओशिया थाने में हमने जाकर के ये अपना मत प्रस्तुत किया। हाँ। तो उन्होंने बताया कि ये जर्नी अगर वो जम्मू से आ रहा है तो इसकी MPR जम्मू में होगी, यहाँ नहीं हो पाएगी। अच्छा। ये नियमानुसार वहीं से जिस जगह से जर्नी स्टार्ट है वहीं से होता है, ऐसा बताया गया। तो हमने तो वो सोचा कि भाई अगर हो जाए, लेकिन हमने इधर उधर से किसी कहलवाने की बात कही, फिर भी कोई वो बात हमारी, तो उन्होंने ये नियम की बात बता दी कि अगर जम्मू ही जाना पड़ेगा जी। तो फिर हमने तय किया कि हम 4 तारीख को एक निजी गाड़ी लेकर के 4 लोग, एक मेरे साथ मेरा भांजा PMB का मैनेजर था जी, एक एक्समैन था, मेरा भतीज था
और एक जो पीएसडी का पंप ड्राइवर है, लेकिन वो ड्राइवर है, गाड़ी चला था इसलिए उसको ड्राइवर। हम चार लोग वहाँ पठानकोट गए यहाँ से सीधे जिस जगह उनको बैग मिला था। हाँ। उस बैग को किस स्थिति में आया, कहाँ से आया, उसका पता करें। फिर वहाँ जाने के बाद हमने जीआरपी से पता किया कि हमारा बैग आया है, तो उन्होंने कहा हम तो एमसी वालों को दे दिया। एमसी वाला ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने तो मुरमुर कैंट में जमा करवा दिया, वो लावारिस सामान था तो हमने उसको वहाँ दे दिया। हाँ। फिर हम मुरमुर कैंट वहाँ पठानकोट गए, वहाँ पर जाने पर पता किया तो कि वो ये एक बंदा आया है यूनिट से। हाँ। आया था और वो अपना बैग लेकर के टेन आसाम जम्मू चला गया। जी। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ले गया तो यूनिट में गया तो कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे या यूनिट ले जाए, वो ले जा सकती है। तो आपने जो सामान दिया, जो बक्सा थैला मिला था टोली बैग, उसमें क्या क्या सामान था उसकी रिपोर्ट तो आपके पास होगी, तो वह है तो हमें वो रिपोर्ट दिलवाइए जिससे हम एमपीआर करवा सकें। हमने वो रिपोर्ट लेने का यही औचित्य था कि हम एमपीआर करवाएं, उसके बाद हम एमपीआर के आधार पर कहीं सुराग लगे और प्रशासन भी हमारे साथ दें। विदाउट एमपीआर तो प्रशासन हमारा कोई सहयोग नहीं कर सकती, इसलिए हमने वो समझा। तो उन्होंने हमें एक एमपीआर करवाने के लिए जो सामान की लिस्ट थी उनकी सेकंड प्रति हमें उपलब्ध करवाई। वो प्रति लेकर के हम लोकल थाना पठानकोट गए। जी। तो पठानकोट जाने पर उन्होंने बताया कि ये जीआरपी के पास सामान बरामद हुआ है, तो ये तो जीआरपी का है मुकदमा, तो वो जीआरपी वाले ही मिसिंग का काम देखेंगे। जी। उन्होंने ऐसा करके हमें उन्होंने निकाल दी। जी। तो हम फिर वापस जीआरपी वालों के पास गए, जीआरपी थाना पठानकोट। जी। तो उन्होंने ये हमें कहा कि भाई ये सामान लावारिस मिला है, बंदा कहीं से मिस हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें भी तो इसकी जानकारी नहीं है। जी। हम इसका कोई मिसिंग नहीं करवा सकते हैं, अगर आप कहते हो तो जो बैग मिला उसका फुटेज आपको दिखा सकते हैं। जी। तो उन्होंने हमें वो रेलवे के फुटेज दिखाए, गाड़ी नंबर भी दिखाया और जो कि जिस गाड़ी से वो बैग मिला था। हाँ। उस गाड़ी के नंबर थे 04611। जी। और वो अमृतसर से पठानकोट को चलती है, ये करीब 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वो उन्हीं छोटे ही ट्रैक पे स्टेशन पे मिला ये पठानकोट पे मिला था। अच्छा, पठानकोट पे मिला। ट्रेन नंबर था 04611। जी। और ये अमृतसर से सवेरे 6:45 पर चलती है। जी। और पठानकोट 10 बजे करीब पहुंचती है। तो वो बैग उतारने का टाइम 10:13 पे वो बैग मेरे को उतारते हुए दिखाई दे रहा था। हाँ। ये मैंने उनको पठानकोट में देखा है। जी। और उसके बाद ये ट्रेन हमें ऐसा लगा कि ट्रेन अमृतसर से पठानकोट को वापस आती है, तो पठानकोट तो जम्मू की तरफ पड़ता है। हाँ। और अमृतसर पहले आ जाता है, तो ये बैग उल्टा कैसे जा रहा है, ये भी हमें विचार आया, आउट हुआ कि अगर जर्मनी के दरमियान भूल जाता है कोई व्यक्ति तो अलग चीज़ होती है। हाँ। लेकिन बैग दूसरी ट्रेन में दूसरे दिन, जबकि वो जिस ट्रेन से आ रहा था वो ट्रेन तो एक तरीक़े को ही वह दोनों स्टेशन पार कर लेती है। हाँ, अपोजिट गया, अपोजिट बैग अपोजिट गया है। अब किस प्रकार गया, कैसे गया, वो तो हमें कोई जीआरपी फुटेज प्राप्त करवाने पर ही पता चलेगा कि इस प्रकार तो हुआ है। ये बैग तो लगभग पठानकोट और अमृतसर, हाँ, इनके बीच में बीच में कहीं से गाड़ी में चढ़ा है, क्यों वो तो इतनी छोटी ट्रेन है, कम दूरी की है, वो अमृतसर से रवाना होती है और अंतिम स्टेशन इसका पठानकोट है, फिर पठानकोट से चलती है और अंतिम स्टेशन अमृतसर है, इतना ही रन है इसका। तो वो बैग किस प्रकार गया क्या पता, वो तो जीआरपी में देखने पे या जीआरपी के लोग फुटेज देखेंगे तो ही पता चलेगा। जी। हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आपने अभी तक ये जो भी लेटर है ये किन किन को दिया है अभी तक? हमने इन सूचनाएं तो पुलिस थाना ओशिया में मिसिंग करवाई है। जी। एमपीआर करने में हमें बहुत दिक्कत आई थी। जी। एमपीआर नहीं हो पाने के कारण हम परिवार पूरा दुखी था। हम लोग जो घूम रहे थे उनको तो ऐसा ही था कि एमपीआर होगी नहीं। फिर हमने ओशिया विधायक दिव्या मदेना से उसकी बात किया कि हमारी परिवार की थोड़ा मदद करो, ये मिसिंग हो नहीं रही है। तब उन्होंने ओशिया सीआई को कॉल करके बताया कि मानवता के आधार पर आप इसकी मदद कीजिए, आप एमपीआर करवाइए और आगे की कार्रवाई शुरू कीजिए। तब जाके हमारा ये एमपीआर का काम हुआ दिव्या जी की मदद से।
जी। उनके अलावा आपने जो भी गवर्नमेंट के अंदर भी दिए हैं? हाँ साहब, उनके बाद ये हमारी एमपीआर होने के बाद में काफ़ी जगह मैंने सूचना की है, जिसमें श्रीमान कोर कमांडर साहब भारतीय थल सेना कोर जोधपुर में भी दिया मैंने इसका लेटर। हाँ। और इसकी एम्पायर की एमपीआर की कॉपी भी साथ संलग्न करके दिया है जी। और एक मैंने लेटर दूसरा है वो लिखा था मैंने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जोधपुर को, उनको भी मैंने जाकर के उनको शांति देवी की तरफ से लेटर दिया है। और एक जिला सैनिक कल्याण बोर्ड जोधपुर को भी मैंने शांति की तरफ से एक लेटर पेश किया है कि इस प्रकार से मेरे पति की गुमशुदी हो गई है, उनको खोजने में आप हमारी मदद करावें जी। तो आप जम्मू कश्मीर इन साइड जाके आए, आपको लगभग कितने दिन का चार दिन का टाइम लगा? मैं चार तारीख को यहाँ से गया था और फिर 7 तारीख को देर रात्रि को वहाँ पहुँचे थे वापस। करीब 2500 किलोमीटर का आना जाना हुआ गाड़ी से। लेकिन वहाँ पर भी आपको मतलब एक नाम से ही सीधा आपका काम हो रहा था या फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना हमारा? वहाँ जाने के बाद यहाँ से चलने के और जम्मू जाकर के आने के दरमियान हमें एक एमपीआर करवानी थी, वो भी नहीं हुई। उसके लिए खूब घूमना पड़ा। एमपीआर बड़ी मुश्किल से यहीं जाके वापस ओशिया थाने में करवानी पड़ी, लेकिन वहाँ जम्मू जाने पर भी नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने सब ने कहा कि ये हमारा एरिया नहीं है, वो आगे का है। पठानकोट गए, पठानकोट वालों ने बता दिया कि जहाँ से बंदा जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ करवाओ। वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि ये तो हम लोकल थाने में गए मिराज शाह, तो उन्होंने बता दिया कि ये तो रेलवे का मामला है, रेलवे तक चला गया है बंदा, तो वो रेलवे जीआरपी करेगी। जीआरपी वाला ने कहा कि यहाँ से बंदा सुरक्षित ट्रेन में यात्रा कर रहा है तो हम कैसे करेंगे, अगले स्टेशन पे करवाइए। इस प्रकार हम मायूस होकर के वापस घर को आए, लेकिन हमें कुछ हासिल तक नहीं हुआ। एमपीआर हम वहाँ कहीं भी नहीं करवा सके। तो हमने 2-7 तारीख को हम वापस आए, 7 से 12 तारीख तक हमें वेट ही करना पड़ा, लेकिन हम कुछ भी नहीं करवाए। क्यों कि जब तक उनकी 12 तारीख को फोर कोर आसाम में ड्यूटी थी। हाँ। मूवमेंट ऑर्डर में उसका आदेश था कि फोर कोर तेजपुर आसाम में उनको नई पोस्टिंग के लिए वहाँ ज्वाइनिंग करना था, तो वहाँ हमने सैनिक भाइयों की मदद से जो पोस्टेड है उनकी सहायता से किसी से पता किया तो वो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचा है देदाराम। तब जाके हमने पुणे एमपीआर करवाने की कोशिश किया, तब जाके ओशिया में एमपीआर हुई। एमपीआर में बड़ा लंबा समय खींच गया मेरा जी। और हम परिवार को बड़ा दुख हुआ कि एक कोई व्यक्ति गुम हो गया और उसकी गुमशुदी के लिए भी हम कहीं एफआईआर नहीं करवा सकते हैं, तो इससे बड़ा तो दुख क्या हो सकता है साहब। हम प्रशासन की बात है, लेकिन सर उनसे एमपीआर होने के बाद में भी अभी लगभग अपने 8 दिन हो चुके हैं। हाँ सर, 15 तारीख हुई है। हाँ, तो फिर इन दिनों में अभी कोई एक्शन ले रहे हैं सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से या पुलिस की तरफ से? सब आर्मी की तरफ से तो कोई कॉल आया था कि भाई आपको कोई पता है, या नहीं उच्च अधिकारियों को लेटर लिख रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा था। लेकिन ओशिया थाने से अभी मेरे पास कोई न तो पत्र व्यवहार हुआ है, उनकी फाइल कहाँ तक गई है वो तो वो थाना प्रभारी जाने से जी। हमें कोई उसके बारे में सूचना नहीं है जी। अपन बात करें जैसे जोधपुर कॉल आया था पहले हॉस्टल वार्डन के पास में, तो उन्होंने किसको कॉल किया सबसे पहले? सबसे पहले उनके हॉस्टल में साथ रहता था मेरा भांजी का लड़का मग्गाराम गोदारा, उनका नंबर था। वो पहले वहाँ बच्चों को खाने वाने की व्यवस्था देखता था, उसी हॉस्टल में रहता था। फिर उनके बाबूलाल जी ने मग्गाराम को कॉल किया, मग्गाराम जी ने मेरे खुद को नहीं कह करके मेरा पुत्र कुलदीप है उनको कॉल किया था। अच्छा। और उन्होंने मेरे को बताया कि फौजी साहब इस प्रकार से कहीं आ रहे थे और उसका बैग गुम हो गया। तो मैंने अन्य मेरे परिवार वालों को नहीं बता करके मैंने एक दिन तक तो मैंने मेरे तक ही सीमित रहने दिया, क्योंकि वो जर्नी के दरमियान आ रहा होगा, तो मैंने उसको नहीं बताया जी। बिल्कुल फालतू में टेंशन करे क्या मालूम। लेकिन जो अब देखे प्रशासन जो ढिलाई बरत रहा है, हाँ, इससे बड़ा दुख हो रहा है मेरे को कि भाई आज इतने दिन पहले तो मिसिंग नहीं हुई, इस कारण से तो मैं कुछ कर नहीं पाया। और अब मैंने उनको सारे विभाग थे उनको मैंने सूचना तो कर दी है, अब विभाग वाले मेरी हेल्प करने में कितने सक्षम होते हैं वो तो मैं विभाग से अनुरोध करता हूँ कि आप इन फाइल को आगे बढ़ाएं और कार्रवाई के लिए थोड़ा
तेज़ी लाएँ तो मेरे परिवार को सबल मिल सकता है। हम बड़े परेशान हैं, बूढ़े मेरे भाई और भुजाई हैं और बच्चे हैं छोटे छोटे, और फौजी की पत्नी, सारा का खाना पीना हराम हो रहा है 20 दिन से। जी बिल्कुल। तो मैं आप सभी दोस्तों से निवेदन करूंगा कि जो भी ये वीडियो देख रहे हो, मैं साइड में फौजी साहब का फ़ोटो आपको लगा रहा हूं और नंबर भी दे रहा हूं। यदि आपको फौजी साहब कहीं पर भी दिखते हैं, किसी भी अवस्था के अंदर दिखते हैं, तो आप ज़रूर एक बार उनको कॉल करके इन्फॉर्म ज़रूर करें, ताकि जो भी परिवार इंतज़ार कर रहा है काफ़ी दिनों से, तो उनको भी पता चलेगा। जो अभी अपन देख रहे हैं, जो प्रशासन की ढिलाई चल रही है, उनके हिसाब से भी काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं। तो सर, अभी वापस यहाँ से आप पता करने के लिए जम्मू कश्मीर वगैरह जाने की तैयारी है या फिर क्या करोगे? अब साहब कोई विभागीय आदेश होगा तो जाएंगे, नहीं तो हमें कोई न तो कोई वोटेज दिखाएंगे और नहीं हमें कोई वो सांत्वना मिलेगी कहीं जाने के बाद, घूम के भले ही आ जाओ, लेकिन अगर विभाग, अगर पुलिस विभाग है या जीआरपी का कोई अगर हमारे साथ सपोर्ट होगा तो हम देखने के लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। अन्यथा जाने से कोई औचित्य नहीं समझता हूँ, क्यों कि मैं घूम घाम के आ गया हूँ सारा, मैं पूरा हताश हूँ। अगर विभाग मेरे साथ जीआरपी को आदेश दे तो मेरा एक आध आदमी में जा कर के वहाँ के फुटेज देखने के लिए प्रशासन के साथ सहयोग कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, यदि पूरी फुटेज मिलेंगी न कुछ सबूत तो ज़रूर मिलेगा। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक मानवता के नाते शेयर ज़रूर करना, ताकि हर किसी व्यक्ति के पास में, प्रशासन के पास में और जो भी लोग देखेंगे तो उनके पास में पहुँचेगा और जो भी जानकारी है वो मिलने में काफ़ी हद तक सहायता होगी। धन्यवाद।